गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अशरफीपाल फ्रॉम ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर बिलासपुर, पीजीटी बायोलॉजी। टुडे वी डिस्कस अबाउट द 10th स्टैंडर्ड बायोलॉजी लेसन। द नेम ऑफ लेसन इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इन दिस लेसन वी हैव कम्प्लीटेड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट, कम्प्लीट हो चुका है। नाउ वी डिस्कस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो पुष्पीय पौधे हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से था, इसमें देखते हैं। हेयर यू कैन सी अ डायग्राम ऑफ फ्लावर। आप एक फ्लावर का यहाँ पर एक डायग्राम स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन दिस फ्लावर द मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर रिसेप्टिकल, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन एंड कार्पल। फ्लावर के जो मेन पार्ट होते हैं रिसेप्टिकल हैं, जैसा कि आप डायग्राम में रिसेप्टिकल का पार्ट देख पा रहे हैं। यहाँ पर रिसेप्टिकल्स हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स, स्टेमेन एंड कार्पल। दीज मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर नोन एज पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल द बेस ऑफ फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। फ्लावर के जितने भी और पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे पार्ट जिस पार्ट्स पर अटैच रहते हैं, जो उनका एक बेस होता है, दैट बेस इज नोन एज द रिसेप्टिकल। उसको हम रिसेप्टिकल के नाम से जानते हैं। इस डायग्राम में रिसेप्टिकल दिया है। सेकेंड इज सेपल्स। सेपल्स द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्किल ऑफ अ फ्लावर। किसी भी फ्लावर के अंदर या इस फ्लावर में आप एक ग्रीन, एक लीफ लाइक पार्ट जो देख रहे हैं, पत्ती जैसी एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी हुई है। इन द आउटर मोस्ट सर्किल ऑफ अ फ्लावर, जो फ्लावर का पूरा एक आउटर मोस्ट सर्किल बना रही है, आर कॉल्ड सेपल्स। इसी को हम सेपल्स के नाम से जानते हैं। ऑल द सेपल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स। और बहुत सारे सेपल जब एक साथ मिल जाते हैं उसी को हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। द फंक्शंस ऑफ सेपल्स, और सेपल्स का जो मेन फंक्शंस होता है, इट मीन्स जो कैलिक्स का मेन फंक्शंस होता है, इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेज व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बर्ड। कि जब फ्लावर एक बर्ड के रूप में होता है उस स्टेज में सेपल्स जो पूरे प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर, पूरे फ्लावर की प्रोटेक्शन करना, उसको एक सपोर्ट देने का काम सेपल्स का होता है। थर्ड पार्ट इज पेटल्स। पेटल्स इज द कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। जितने भी पेटल्स होते हैं वो फ्लावर का एक कलरफुल पार्ट होते हैं। जैसे आप पिंक पार्ट यहाँ पर देख रहे हो, तीन इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं, ये जो पेटल्स हैं। द पेटल्स लाई इनसाइड द सेपल्स, ऑल द पेटल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला। और जब पेटल्स हमारे बहुत सारे एक साथ जुड़ करके किसी फ्लावर को एक स्ट्रक्चर देते हैं, है ना, दैट इज नोन एज द कोरोला। उसको हम कोरोला के नाम से जानते हैं। द पेटल्स आर यूजली सेंटेड। पेटल्स जो होते हैं एक प्रकार की स्मेल को रिलीज करते हैं, एक प्रकार की खुशबू को रिलीज करते हैं, जिससे उस फ्लावर की पहचान होती है। द फंक्शंस ऑफ पेटल्स इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। पेटल्स का काम होता है किसी भी इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स में पॉलिनेशन किसी न किसी मीडियम से होता है, उसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स उसको अट्रैक्ट करने का काम करता है। वो एक प्रकार की जब स्मेल को रिलीज करेगा तो कोई भी इंसेक्ट जब उस स्मेल को देखता है, उसके पास तक आती है, तो उस फ्लावर पर वो अट्रैक्ट हो जाता है, और अट्रैक्ट होने के बाद उस फ्लावर पर जाकर के बैठता है, तो उसका पॉलिनेशन हो जाता है। एंड टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच आर एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर। और दूसरा, कोरोला का एक जो मेन और दूसरा काम होता है कि फ्लावर के जितने भी मेल और फीमेल सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं वो उसके बीच में होते हैं, उनकी एक प्रोटेक्शन देना, उनको सपोर्ट देने का काम भी पेटल्स का होता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज स्टेमेन। स्टेमेन द लिटिल स्टॉक विथ सोलन टॉप्स जस्ट इनसाइड द रिंग्स ऑफ पेटल्स। स्टेमेन आप देख रहे हैं डायग्राम में कि एक सोलन टॉप्स, जिसका एक जो टॉप है वो एक सोलन फूला हुआ सा है, जस्ट इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल्स एंड फ्लावर आर कॉल्ड स्टेमेन। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। किसी भी प्लांट में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो उसका स्टेमेन है। स्टेमेन प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, और स्टेमेन के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। स्टेमेन इज मेड ऑफ टू पार्ट्स। स्टेमेन के यहाँ पर दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज फिलामेंट एंड सेकेंड इज एंथर। द स्टॉक ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड फिलामेंट, एंड द सोलन टॉप, जो ऊपर का टॉप फूला हुआ हिस्सा है, उसको हम एंथर बोलते हैं। और जो एक स्टॉक, एक छड़नुमा एक स्ट्रक्चर है, वो हमारा स्टेमेन का
फिलामेंट है। नेक्स्ट पार्ट इज कार्पेल। कार्पेल इज द फीमेल पार्ट। कार्पेल जो है एक किसी भी फ्लावर का एक फीमेल पार्ट है। कार्पेल को हम दूसरे शब्द में हम पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। द कार्पेल इज मेड ऑफ थ्री पार्ट्स। कार्पेल जो है एक थ्री पार्ट से मिलकर के बना होता है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीन पार्ट इसके होते हैं। स्टिग्मा इज द अपर पार्ट। स्टिग्मा जो है हमारा फ्लावर का जो कार्पेल का एक अपर पार्ट होता है। स्टिग्मा इज फॉर रिसीविंग द पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। स्टिग्मा स्टिकी नेचर। स्टिग्मा नेचर में स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, जिसके कारण कोई भी पोलन ग्रेन्स इस तरह चिपक जाते हैं। और स्टाइल इज द मिडिल पार्ट। स्टाइल कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी, उसको कनेक्ट करने का काम करता है। और थर्ड बेसल, जो नीचे का तीसरा जो पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, और जो स्वेलिन पार्ट होता है उसको हम ओवरी के नाम से जानते हैं। ओवरी मेक्स ओब्यूल्स। ओवरी जो है ओब्यूल्स को बनाती है और जो उनको स्टॉक करके रखती है। ओब्यूल्स कंटेन द फीमेल गैमिट्स। और ओब्यूल्स जो होते हैं वो फीमेल के एक टाइप के गैमिट्स हैं। देयर आर यूजली मेन ओब्यूल्स इन द ओवरी। नेक्स्ट पॉलिनेशन। द मीन्स ऑफ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जैसा अभी हमने पिछले उसमें देखा कि मेल जो पार्ट होता है फ्लावर के अंदर वो स्टेमेन होता है। स्टेमेन के टू पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर। जब एंथर मेच्योर्ड हो जाता है तो उसके अंदर पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। एंथर जब वस्त हो जाएगा तो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर, अब उन पोलन ग्रेन्स को एंथर से ट्रांसफर होना है स्टेमेन के टू द स्टिग्मा। कहां पर ट्रांसफर होना है? स्टिग्मा पर ऑफ अ कार्पल। कार्पल हो गया फीमेल पार्ट। कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन, कि जब मेल के स्टेमेन से पोलन ग्रेन्स फीमेल के यानी कार्पल के स्टिग्मा पर लैंड हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो दैट्स प्रोसेस इज नोन एज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन प्रोसेस इज टू टाइप्स। पॉलिनेशन जो होता है वो टू टाइप्स का हो जाता है। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। इन सेल्फ पॉलिनेशन, व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, कि जब किसी भी एंथर से पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, सेम फ्लावर पर और सेम प्लांट पर जैसे ही लैंड होते हैं उस पर आकर के गिर जाते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। सेकंड क्रॉस पोलिनेशन। इन क्रॉस पोलिनेशन, व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑन वन प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑन एनोदर सिमिलर प्लांट, कि जब एक फ्लावर से एंथर से पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जैसे ही लैंड होते हैं उसको हम क्रॉस पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। इन क्रॉस पोलिनेशन में फ्लावर भी डिफरेंट होता है और प्लांट भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप हमारा फर्टिलाइजेशन आता है। इन फर्टिलाइजेशन अकर्स व्हेन द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन ज्वाइन विद द फीमेल गैमेट्स, कि इसमें जब मेल का जो गैमेट्स है, मेल गैमेट्स मीन्स पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स हमारा कहाँ से आया? पोलन ग्रेन्स आया एंथर से। कि जब मेल गैमिट्स, इट मींस पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट जॉइंस विद द फीमेल गैमिट्स, जब वो फीमेल गैमिट्स के साथ में ज्वाइन हो जाता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। फर्टिलाइजेशन कब होगा? आफ्टर द पोलिनेशन। पोलिनेशन के बाद में, पोलिनेशन में क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ किसका? पोलन ग्रेन्स का। कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा पर। When a pollen grain falls on the stigma of a carpel, it burst open and grows the pollen tube downwards through the style towards the female gamete in the ovary. A male gametes move down the pollen tube. जो male का gametes है वो pollen tube में नीचे down की ओर को आता है, and pollen tube enters the ovule. Pollen tubes ovules के अंदर enter करती है ovary में। The trip of pollen tube burst, और pollen tube burst होती है open and male gametes comes out. और जो मेल के गैमिट्स हैं, इट मीन जो पोलन ग्रेन से वो बाहर आता है इन द ओवरी में, मेल गैमिट्स ऑफ पोलन कंबाइन विद द न्यूक्लियस। जो मेल का गैमिट्स है वो फीमेल के गैमिट्स के साथ यानी न्यूक्लियस के साथ में कंबाइन हो जाता है
इन टू फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, और जैसे ही वो कंबाइन होता है तो एक एग बनता है और उस एग को हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग, इट मीन्स जायगोट बन जाता है। और आफ्टर द जायगोट फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, उसके बाद में सीड्स का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। तो ये पार्ट था हमारा फ्लावर का। अब देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में यदि हम देखें तो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इन सेक्स मेल एंड फीमेल का सबसे पहले इसमें जो गैमिट्स होते हैं, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर, मेल जो गैमिट्स होता है वो कंसिस्ट ऑफ पेयर से मिलकर के बने होते हैं। गैमिट्स क्या हैं, द मेल गैमिट्स इन एनिमल्स इज कॉल्ड स्पर्म। जो मेल्स का गैमिट होता है वो स्पर्म के नाम से हम उसको जानते हैं, एंड द फीमेल गैमिट्स एनिमल इज कॉल्ड ओवम, और जो फीमेल का गैमिट्स होता है उसको ओवम के नाम से हम जानते हैं। इसमें इससे पहले हम एक चीज़ पर और डिस्कस करेंगे, एक प्रोसेस होती है पॉवर्टी। पॉवर्टी को हिंदी में कहते हैं हम यौवन आरंभ या यौवन अवस्था। यौवन अवस्था होती है द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स बिगिन्स टू द प्रोड्यूस एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली, कि जब जिस एज में हमारे जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं और जिससे एक लड़का और लड़की की पहचान होना शुरू हो जाती है, वो सेक्सुअली मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, उसको हम पॉवर्टी बोलते हैं। इन पॉवर्टी टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन्स। पॉवर्टी में जो मेल हैं उनके सेक्स हार्मोन्स एक रिलीज होता है, जो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं, एंड द ओवरी प्रोड्यूस टू हार्मोन्स, और ओवरी के अंदर दो प्रकार के सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, फर्स्ट इज ऑस्ट्रोजन एंड सेकेंड इज प्रोजेस्टेरोन। ये जो दोनों ही हार्मोन्स होते हैं, इन दोनों ही हार्मोन्स का अपना अपना एक अलग फंक्शन होता है। इसी के आधार पर द वेरियस चेंजेस विच अकर्स इन द बॉय एट पॉवर्टी, अगर हम बॉयज़ में बात करें पॉवर्टी में, तो बहुत सारे उसके अंदर एक बदलाव आते हैं, जैसे हेयर ग्रो अंडर आर्म पिट्स एंड द पविक रीजन, जेनिटल एरियाज पर बहुत सारे एक उस पर हेयर्स आ जाते हैं, हेयर ऑल्सो ग्रो ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के ऊपर भी लड़कों के बहुत सारे बाल आने लगते हैं, जैसे चेस्ट पर बाल आने लगते हैं, फेस पर मस्ट एंड बियर्ड आने लगती है, दाढ़ी और मूछ आने लगती है, बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर, शरीर जो होता है एक मंसल हो जाता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, क्योंकि मसल्स का डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। एंड द बॉयज डिपेंस और क्रैक, और जो बॉयज होती है वो जेंट्स में भारी हो जाती है, चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉडमेन, छाती और जो कंधे होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, और जो भी हमारे सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं उनका भी एक ग्रोथ हो जाता है। द वेरियस चेंजेज विच अकर्स इन द गर्ल्स एट पॉवर्टी, और पॉवर्टी में गर्ल्स के अंदर भी बहुत सारे बदलाव होते हैं, हेयर ग्रो अंडर आर्म पिट्स एंड पविक रीजन, उनके भी जेनिटल एरियाज के आसपास बहुत सारे हेयर्स का ग्रो हो जाता है, मेमिटिक ग्लैंड्स जो ब्रेस्ट होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, द हिप्स ब्रॉडन है ना, लोअर पार्ट ब्रॉडन होने लगता है, एक्स्ट्रा फैट्स एंड डिपोजिट, और शरीर पर एक्स्ट्रा चर्बी वसा का एक जमाव होने लगता है वेरियस पार्ट बॉडी पर, लग हिप्स एंड थाइस, फैलोपियन ट्यूब्स यूट्रस एंड वेजाइना एनलार्ज हो जाते हैं, ओवरीज स्टार्ट टू रिलीज एग, और ओवरी से एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उस स्टेज को हम मेंसुरेशन बोलते हैं, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद अब आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कई सारे पार्ट से मिलकर के बना होता है, जिसमें टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, वाजर डिफरेंस और स्पर्म डक्ट। ये डायग्राम आप यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, इसके बारे में अब डिटेल से देखते हैं। टेस्टिस, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, टेस्टिस आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल। मानव के अंदर दो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस की जो शेप होती है अगर हम देखें तो एक प्रकार की ओवल शेप होती है, जैसे अंडाकार होता है इस प्रकार की शेप होती है। द फंक्शंस ऑफ टेस्टिस टू मेक द मेल सेक्स सेल्स यानी मेल गैमेट्स। टेस्टिस का जो काम होता है मेल सेक्स सेल्स को रिलीज करना होता है, जिसको हम स्पर्म के नाम से जानते हैं, एंड ऑल्सो टू मेक द मेल सेक्स हारमोन्स। और टेस्टिस एक प्रकार के हारमोन्स को भी रिलीज करता है, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन।
और टेस्टोस्टेरोन के कारण ही अभी हम जैसा मैंने बताया कि पॉवर्टी में बहुत सारे हमारे वेरियस चेंजेस और पॉवर्टी की जो स्टेज है वो मेल में लगभग 12 साल से स्टार्ट हो जाती है और 18 साल में कंप्लीट हो जाती है। तो ये 12 से 18 जो 6 साल का पीरियड होता है ये हमारा पॉवर्टी में आता है। एक तो टेस्टिस हुआ, टेस्टिस के बाद जो दूसरा है हमारा स्पर्म्स फाउंड इन टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स तो बन गए, कम्स आउट एंड गो इनटू द कॉइल ट्यूब कॉल्ड एपिडिडाइमिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन गया एंड कम्स आउट, टेस्टिस बाहर आते हैं एंड गो इनटू द कॉइल ट्यूब और एक प्रकार की ट्यूब के अंदर जाता है जिसको हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। द स्पर्म गेट स्टोर टेम्परेरी इन एपिडिडाइमिस, और जो स्पर्म होते हैं वो टेम्परेरी रूप से एपिडिडाइमिस के अंदर स्टॉक होते हैं। द स्पर्म्स आर कैरीड बाय, उसके बाद में स्पर्म एक लॉन्ग ट्यूब के जरिए आगे की ओर को जाते हैं जिसको हम वासर डिफरेंस के नाम से जानते हैं, या फिर स्पर्म डक्ट विच ज्वाइंस बिन एनोदर ट्यूब जो जाकर के एक दूसरी ट्यूब में मिल जाती है जिसका नाम होता है यूरेथ्रा, कमिंग फ्रॉम द ब्लैडर एलोंग द पाथ ऑफ वासर डिफरेंस। द ग्लैंड कॉल्ड सेमिनल वेसिकल, इसके अंदर हमारी ग्लैंड भी होती हैं। जो ग्लैंड्स में अगर हम देखें सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स एड देयर सीक्रेशन टू स्पर्म सो दैट द स्पर्म्स आर रो इन अ लिक्विड, जिससे एक प्रकार के सीमेन को वो बनाती हैं जिससे जो स्पर्म होते हैं वो उस लिक्विड के अंदर बह करके बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। दिस लिक्विड प्लस द स्पर्म इट कंटेन्स एंड कॉल्ड सीमेन। द सीक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। द सीक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का जो काम होता है वो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, कि जो स्पर्म है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है। एंड ऑल्सो मेक देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट ईजर, जिससे उनका बॉडी से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है उनका जो आवागमन होता है वो बहुत ही ईजिली हो जाता है। और यूरेथ्रा फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन, और यूरेथ्रा एक कॉमन एक रास्ता होता है, एक कॉमन पैसेज होता है स्पर्म के लिए और बॉडी से यूरिन रिलीज के लिए। यूरेथ्रा कैरीज द स्पर्म टू एन ऑर्गन कॉल्ड पेनिस, और यूरेथ्रा अगर आकर के एक बॉडी के पार्ट्स में खुलता है जिसको पेनिस के नाम से जानते हैं, विच ओपन्स आउटसाइड द बॉडी। द पेनिस पासेज द स्पर्म फ्रॉम द मेन बॉडी इनटू द वजाइना इनटू द वुमेन बॉडी ड्यूरिंग मेटिंग, और इस प्रकार से एक फीमेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म को पास आउट करने का काम वो पेनिस के थ्रू हो जाता है। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। नेक्स्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वैसे ही फीमेल में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसमें सबसे पहली ओवरीज होती हैं, सेकेंड इज ओविडक्ट है जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स के नाम से जानते हैं, थर्ड यूट्रस है और वजाइना है। पहले ओवरीज की बात हम करते हैं। ओवरीज क्या है? ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द वुमेन। वुमेन के अंदर ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स होते हैं। द फंक्शंस यदि हम देखें तो ओवरीज का जो फंक्शंस होता है टू मेक मैच्योर फीमेल सेक्स सेल्स, ओवरी का काम होता है फीमेल सेक्स सेल्स को बनाना जिसको हम एग या ओवा के नाम से जानते हैं। एंड ऑल्सो टू मेक द फीमेल सेक्स हार्मोन्स, और दो प्रकार के हार्मोन्स भी ओवरी के अंदर बनते हैं जिसमें पहला हार्मोन्स होता है ओस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन्स भी बनते हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो होती है ओविडक्ट। ओविडक्ट का जो दूसरा नाम होता है वो फेलोपियन ट्यूब के भी हम नाम से जानते हैं। द ओविडक्ट कनेक्ट टू द बैग लाइक ऑर्गन्स कॉल्ड यूट्रस और वम। जो ओविडक्ट होती हैं वो फेलोपियन ट्यूब हैं जो ओवम को लेकर के जाती हैं, यानी बैग लाइक ऑर्गन है। जो अगर हम फेलोपियन ट्यूब्स को देखें तो ओविडक्ट्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओवरी बट हैव द फनल शेप। ये जो होती हैं हमारी एक फनल शेप में होती हैं और ओवम रिलीज होता है ओवरी से और वो सीधा सा हमारा फेलोपियन ट्यूब में जाता है, गोज इनटू द ओविडक्ट थ्रू द फनल शेप ओपनिंग और फर्टिलाइज एग्स बाय अ फॉर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। और जो फर्टिलाइजेशन होता है जो मेल के स्पर्म के साथ वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही ओविडक्ट में ही होता है। अब ओविडक्ट कनेक्ट टू द बैग लाइक ऑर्गन्स कॉल्ड यूट्रस। जो थर्ड पार्ट है वो हमारा यूट्रस है जिसको हम यूट्रस को हम बॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज ओवम,
जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओबम हुआ, फर्टिलाइज्ड ओबम कहाँ पर हुआ? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कौन आया था? स्पर्म आया। ओबम ऑलरेडी होते हैं, ओबम का स्पर्म के साथ में जुड़ना, वो फर्टिलाइज होना, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन में जायगूट बनता है। अब जो जायगूट है वो धीरे धीरे कहाँ पर आकर के स्टॉक हो जाता है, जमा हो जाता है? वो हो जाता है हमारा यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर वो फर्टिलाइज एग आ जाता है और वहाँ पर इनटू द बेबी टेक्स प्लेस इन द यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस इज कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स एंड टू अनदर ट्यूब कॉल्ड वेजाइना। यूट्रस का जो दूसरा पार्ट होता है वो हमारा एक सर्विक्स है और वेजाइना है, विच ओपन्स इनटू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। वेजाइना रिसीव द, जो अगर हम उसको देखें तो वो रिसीव करेगा पुटिंग द स्पर्म इनटू द वुमेन बॉडी। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वर्थ कैनाल बिकॉज इट इज़ थ्रू द दिस पैसेज दैट इज़ द बेबी इज बॉर्न। और इस पैसेज के जरिए ही बेबी का बॉर्न होता है। एंड ओपनिंग फॉर पासिंग आउट यूरिन, और इसका काम होता है कि हमारी बॉडी से जो ब्लेडर्स है, जो यूरिन का सिक्रेशन हुआ, वो भी बॉडी के इसी पार्ट से सिक्रेट हो जाता है। तो आज के लिए इतना है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें हमारा बचता है, बर्थ कंट्रोल हैं, बर्थ कंट्रोल के मेथड हैं बहुत सारे, इसमें कौन कौन से मेथड हैं, कुछ हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं, एक टॉपिक पर वीडियो आपका और आएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।